आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। घरों में हो रहे जबरन वैश्यावृत्ति के खिलाफ आवाज उठाती एक फिल्म पिंजरे की तितलियां रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में मोहनकांत जल्लाद बाप की भूमिका में नजर आएंगे और इस फिल्म में युवांग और दिग्विजय ओहल्या जैसे नए कलाकार भी शामिल है। फिल्म की अभिनेत्री गीता सरोहा का कहना है कि उनके लिए ये किरदार काफी चैलेंजिंग था। ये रिपोर्ट देखिए। पिंजरे की तितलियां जो है वो एक कहानी नहीं है मंशा सिर्फ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मतलब इसमें हकीकत बयान करने की हमने कोशिश की है। फिल्म की अवधि जो है वो 1.5 घंटे की है। लखनऊ में स्पेशली स्क्रीनिंग के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ फिल्में देखी जाती हैं और हर तरह का सिनेमा देखा जाता है और वो देखना ज़रूरी है। अलग जो आपने कहा कि ये फिल्म अलग कैसे है, क्योंकि हमारी फिल्म में कोई आपको ऐसा स्टारडम या तामझाम देखने को नहीं मिलेगा। हम जो बात कहना चाहते हैं वो अपनी कहानी लेकर आए हैं, हमारे एक्टरों ने अभिनय किया है, हमने लिखी है और डायरेक्ट की है, तो हम चाहते हैं कि लोग उसको कनेक्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी उसको देख पाए, तो ये हमारी एक कोशिश है। जी हमारी फिल्म जो है वो मैंने आपसे कहा सत्य घटनाओं पर जो एक आधारित है वो ये है कि देह व्यापार जो घरों में होता है, मतलब अक्सर आप बहुत सारी फिल्में इस बारे में सुनते होंगे सोचते होंगे, लेकिन ये है कि अगर हम पूरी दुनिया से अगर ये देखें कि एक व्यापार कराना अलग बात है लेकिन वो घर में घरेलू है, वो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है और ऐसे में कोई व्यक्ति उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, चाहे बेशक वो कहीं भी पैदा हो कहीं का रहने वाला हो, लेकिन ज़रूरी नहीं वो भी यही काम करेगा क्योंकि उनके परिवार में इसे बरसों से किया जा रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, उस लड़की की लड़ाई है रुखसार की और रूही की कि वो कैसे इस जद्दोजहद से बाहर निकलेंगी, तो एक महिला सशक्तिकरण की कोशिश हमने इससे की। जी मतलब कहने का मतलब है कि ये पिक्चर एक मैसेज देगी सोसाइटी को। जी सामाजिक मैंने कहा कि उसी ढर्रे को रखते हुए हमने कोशिश किया है, तो इसलिए हम चाहते ये हैं कि ज़्यादा लोग जब इसे देखें तो ये नहीं है कि ठीक है मनोरंजक महज है और चले जाएं घर पर, थोड़ा विचार करें सोचें लोगों के बारे में, बस वो सोच के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। था क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, जाट फैमिली से हूँ और इस तरह का किरदार करना और मेरी फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और हम लोगों का था कि ये मैसेज आए लोगों के सामने, ये कहानी लोगों के सामने आए, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि कैसे कर पाऊँगी क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह का किरदार कोई नहीं किया था। लेकिन जब जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, आप कैरेक्टर पे काम करते हैं, तो जैसा रोल आपने किया है कहीं ना कहीं समाज में इसको गलत तरह से देखा जाता है, तो आपने ये रोल किया तो कैसे इसमें खरी उतरी, एक मेहनत का काम होगा, कैसे आप इसको फील करा और किस तरीके से रोल? हाँ नहीं, वही चीज़ मैं कह रही कि मेरे लिए बहुत ऐसे चैलेंज था क्योंकि मैं हरियाणा से भी हूँ, जाट फैमिली से भी हूँ और इस तरह का किरदार मैं पहली बार कर रही थी और मेरे को समाज को मैसेज भी देना है, मेरे को फैमिली को भी समझाना है कि हम ये फिल्म क्यों कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट पे काम हुआ, फैमिली को भी चीज़ें समझ में आई, मुझे भी चीज़ें समझ में आई, तो इजी हो गया उस टाइम। तो शारीरिक शोषण पर आधारित ये फिल्म जल्द ही आप सभी के बीच मौजूद होगी क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं एक बेहद ही अहम मुद्दा है, लेकिन समाज के लोग आज भी इस मुद्दे पर बात करने से कतराते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब ये फिल्म लोगों के सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म लोगों के दिलों पर एक छाप भी छोड़ सकती है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।